दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे फैन कोड ECS रोमानिया T10 मैच के बारे में, जो कि यहां से खेला जाएगा ACC वर्सेस GIA के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं आपको रिसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही कराए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव इलेवन ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव इलेवन आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी की टीम की, तो विकेट कीपर में आपके पास अब्बास का ऑप्शन होने वाला है, मोहम्मद का ऑप्शन होने वाला है और पेसल का ऑप्शन होने वाला है। अब इन तीनों में से बेस्ट जो ऑप्शन होता है ना वो मोहम्मद का होने वाला है, क्योंकि ये आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके देते हैं, तो इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, एक हमारे विकेट कीपर रहने वाले हैं। बैटिंग के बारे में बात करें, जी मनन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 10 रन इन्होंने करे, उससे पहले 13 रन इन्होंने करे, फिर 2 रन करे दोस्तों, 1 रन करे और 1 रन करे, ये इनका परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस देखोगे इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। आनंद के बारे में बात करें, ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूं, 20 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, उससे पहले 12 रन इन्होंने करे, फिर 0 रन करे, फिर 14 रन करे और 12 रन करे। परफॉर्मेंस देखोगे तो एवरेज ही रहा है, या फिर आप बोल सकते हो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन T10 में रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए मैं इनको लेके जा रहा हूँ, कम बैक कर सकते हो और परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सी फर्नांडो के बारे में बात करें, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग करेंगे, रिसेंट में 23 रन करे, उससे पहले 4 रन इन्होंने करे, फिर 26 रन करे, 14 रन करे और 8 रन करे। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूं तो बॉलिंग से 3 विकेट निकाले, बट इससे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। अली के बारे में बात करें, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए चॉइस होने वाले। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करूं, नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे, रिसेंट में 31 रन करे, उससे पहले 83 रन इन्होंने करे, फिर 18 रन करे दोस्तों, 59 रन करे और 13 रन करे। प्लस बॉलिंग भी करवाएंगे। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ बॉलिंग से, तो 8 विकेट भी इन्होंने निकाले, इंपॉर्टेंट हो जाते, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। आसिफ के बारे में बात करें, 1 डाउन बैटिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, प्लस ये बंदा बॉलिंग भी करवा सकता है। रीसेंट के बारे में बात करें तो लास्ट मिनट में ना तो बैटिंग आई थी इनकी और ना इन्होंने बॉलिंग करी, उससे पहले अगर मैं बात करूँ 64 रन इन्होंने करे, 7 रन करे, 9 रन करे और 47 रन करे, वहीं 4 मैचेस में 4 विकेट भी इन्होंने निकाले थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है मैं लेके चल रहा हूँ। फिलहाल 4 हमारे यहाँ से जो है बैट्समैन रहने वाले, आप देख सकते हो। ऑलराउंडर के बारे में बात करें दोस्तों, जया सिंह आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओपन करेंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूं, 33 रन करे प्लस 2 विकेट निकाले, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही दोस्तों यहां पे TS का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है ACCB तो ज़रूर रख लेना, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे, विकेट निकाल के दे सकते हैं, लास्ट मिनट में 2 विकेट इन्होंने निकाले थे।
उल्ला के बारे में बात करें, अगर ACCB इनकी टीम जो है पहले बैटिंग करती है तो आप उल्ला को रख सकते हैं, और बॉलिंग करें तो TS को रख सकते हैं, क्योंकि उल्ला जो है ओपन में बॉल डालेंगे और TS जो है डेथ में डालेंगे। अभी तक उल्ला ने 2 मैचेस में हालांकि कोई विकेट नहीं निकाला, लेकिन T10 में रिकॉर्ड अच्छा रहा, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। वहीं यहाँ पे एस उल्ला का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। सईद उल्ला ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट रन में 4 रन पे आउट हो गए, उससे पहले इन्होंने 5 रन करे, फिर 1 रन करे और 2 रन करे, प्लस लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन ये बॉलिंग करवाते, इस चीज़ को ध्यान में रखना, मे बी इस मैच में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ जाए, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। बाकी कोई खास ऑप्शन है नहीं, 3 हमारे ऑलराउंडर रहने वाले हैं। बॉलिंग के बारे में बात करें, डी फर्नांडो का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट मिनट में ओपन करने आए थे, अभी ये उससे नीचे भी आ सकते हैं, ओपन ना भी करें, लेकिन ये ओपन करते भी है तो अच्छी बात है, वरना ये टॉप ऑर्डर में ही आएंगे क्या, तो नंबर 3 पे बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। लास्ट मिनट में 4 रन करे, उससे पहले 5 रन इन्होंने करे, फिर 7 रन इन्होंने करे, 9 रन करे और 28 रन करे, बॉलिंग करवाएंगे। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूं बॉलिंग से, तो इन्होंने जो है 10 विकेट निकाले, तो बैटिंग से भले ही परफॉर्मेंस नहीं दिया हो, लेकिन बॉलिंग से अच्छा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। वहीं यहाँ से अहमद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, चाहो तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हो। इनके बारे में बात करूँ रीसेंट के बारे में, तो रीसेंट 5 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट इन्होंने निकाला है, इनके ओवर कट सकते हैं, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। जे फर्नांडो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है इस मैच में, जिनको आप रख सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर इनका नंबर 6 रहने वाला है, लेकिन ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। रीसेंट में इन्होंने 37 रन करे दोस्तों, उससे पहले 12 रन इन्होंने करे, फिर 15 रन करे, 6 रन करे और 14 रन करे। लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने निकाले बॉलिंग से, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं लेके चल रहा हूँ। वहीं यहाँ से सिंह के बारे में बात करें, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करवाएंगे। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार 2 विकेट इन्होंने निकाले, थोड़ी सी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है। वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें दोस्तों, मनोहर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ओपन में बॉलिंग डालेंगे। लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने अभी तक निकाले। अगर आप सामने वाली टीम के ओपनर को ड्रॉप कर रहे हो तो फिर मनोहर को अपनी टीम में रख लेना, लेकिन अगर आप सामने वाली टीम के ओपनर को रख रहे हो तो फिर आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा दोस्तों। एन कुंटा का आपके पास ऑप्शन है, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, प्लस ये बंदा आपको बॉलिंग करेगा, नंबर 3 पे ही बैटिंग करेंगे ये। लास्ट मैच में 6 रन करे, उससे पहले 10 रन करे, प्लस लास्ट मैच में बॉलिंग करके 3 विकेट इन्होंने निकाले थे। फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में रख रहा हूँ, बाकी कोई खास ऑप्शन है नहीं, 3 हमारे यहाँ से बॉलर रहने वाले हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो अली और सी फर्नांडो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, और अगर आप सामने वाली टीम से जाना चाहते हो तो कुंटा को कर सकते हो। कैप्टन मेरे अली रहेंगे और वाइस कैप्टन फर्नांडो। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, ये हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं, आप इस टीम के साथ अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।